अगर आप एक इंडियंस हैं और आप अब्रॉड में जो है काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं जो हूँ टॉप वो 5 कंट्रीज बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत अच्छी है। ईयरली आप जो है वहाँ पर एस्टिमेटेड कितनी जो है सैलरी कमा सकते हैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले बता दूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिएगा। करने का फायदा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो डेली अपलोड करता हूँ वो बाय डिफॉल्ट आपको आपके मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, जिसमें भी यूट्यूब देखते हैं उसके होम पेज पर नजर आ जाएगी और आपको उसका काफी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं वो कौन सी कंट्री है, मैं लिख करके आपको दिखा दूंगा। देखिए अगर मैं 5वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो आती है आपकी आइसलैंड, ठीक है। और आइसलैंड में आप जो है मिनिमम जो है सैलरी जो है यहाँ पर 46,000 USD US डॉलर पर ईयर जो है कमा सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा मिनिमम मैं बता रहा हूं, उससे ज्यादा भी आप जो है यहाँ पर कमा सकते हैं पर ईयर। बस ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो है एस्टिमेटेड है, ठीक है। 4 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 4th नंबर पर आता है आपका डेनमार्क, डेनमार्क में भी अच्छी जो है सैलरी आपको मिल जाती है। यहां भी आप जो 50,000 US डॉलर पर ईयर कमा सकते हैं, ठीक है। 3रे नंबर की अगर मैं बात करूं, 3रे नंबर पर आता है आपका बेल्जियम, और बेल्जियम में भी आप अच्छी खासी जो है सैलरी कमा सकते हैं। यहां भी जो है आप जो है ये 47,000 USD पर ईयर कमा सकते हैं। ये देखिएगा मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी आप जो है कमा सकते हैं। 2रे नंबर की अगर मैं बात करूं वो आता है आपका नॉर्वे, ठीक है। और नॉर्वे में भी आप जो है एटलीस्ट जो है 51,000 US डॉलर पर ईयर कमा सकते हैं, ठीक है। और नंबर 1 की बात करूं वो आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में आप जो है 51.5 यानी 51,500 US डॉलर पर ईयर कमा सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 5 कंट्रीज फॉर इंडियंस फॉर वर्क। ये देखिएगा 5 कंट्री बहुत अच्छी हैं, मैंने इसका एस्टिमेटेड भी आपको बता दिया। ये मिनिमम सैलरी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन आप इससे ज्यादा भी यहाँ पर कमा सकते हैं, वो आपकी एबिलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। तो इसमें देखिएगा 5वें नंबर पर आइसलैंड है, 4थे नंबर पर डेनमार्क है, 3रे नंबर पर बेल्जियम, और 2रे नंबर पर नॉर्वे, और 1ले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। आइसलैंड में वही 46,000 US डॉलर पर ईयर आप कमा सकते हैं, आप अपनी जो है इंडियन रुपीज में से कन्वर्ट कर सकते हैं। डेनमार्क में जो है 50,000 US डॉलर पर ईयर के हिसाब से कमा सकते हैं, और बेल्जियम में जो है 47,000 USD पर ईयर, नॉर्वे में 51,000 USD पर ईयर, और ऑस्ट्रेलिया आल्सो 51.5K USD पर ईयर। तो दीज आर द कंट्रीज एस्टिमेटेड मैंने आपको बता दिया, आप जो है इसे देख सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, किसी कंट्रीज में भी आपको अप्लाई करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप या क्या प्रोसेस है। वैसे तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। फिर भी कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। बस आप लोगों को ऐसे प्यार चाहिए जो कि मिल भी रहा है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।